ये शनिवार रविवार के बाद सोमवार कैसे आ जाता है? अरे यार, सोमवार का दिन बहुत ही भारी दिन होता है कि दो दिनों के छुट्टी के बाद तो ऑफिस आने का दिल ही नहीं करता मेरा। वरुण इतनी जल्दी ऑफिस आ गया, इतनी सुबह सुबह? आज तो सबकी शामत आने वाली है। अरे तुम सब लोग इतने जल्दी, वो भी सोमवार के दिन पे? चक्कर क्या है? हमारी चोट अपनी बता, तू इतनी सुबह सुबह वरुण के केबिन में क्या कर रही थी? वो कुछ नहीं, वरुण ने मुझे कुमार बिल्डर का ऑडिट करने के लिए बोला था। ओह, छुट्टियों में मैंने काम पूरा कर दिया, बस फाइल रखने गई थी। सुनी थी, प्लीज अच्छी बच्ची बनना बंद करो, नहीं तो तुम्हारी वजह से बॉस के सामने हम सब का इंप्रेशन तो डाउन हो जाएगा। बाबू है? कौन है भाई जो बाबू को नाम से बुला रहा है? मैं भाई को फोन पर से मिलने आया। क्या नाम है उसका? नाम क्या है? कह दो शिखर। शिखर? बाबू किधर है? ओ शिखर सर, आप और अपने चौल में भाई, अब तो अपने एरिया का भाव 3 से 5 हजार रुपए स्क्वायर फीट बढ़ जाएगा। मैं यहाँ तुम्हारे बकवास जोक सुनने नहीं आया हूँ बाबू। पता है काय को आयला है, टेंशन क्यों ले रहे हो? सब हो जाएगा। अरे खाक हो जाएगा, 3 दिन हो गए और वरुण अभी तक जिंदा है। जिंदा इसलिए है क्योंकि इसकी सांसें अभी चल रही हैं, लेकिन आज शाम को इसकी सांसों का स्टॉक खत्म कर दिया जाएगा। पक्का? आज तुम उसे मार डालोगे ना? मार डालोगे नहीं बोलने का, धरती का बोझ कम करने का, ऐसा बोलने का। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बॉस। वेरी गुड मॉर्निंग। स्वीट हार्ट मत कहो मुझे। तो क्या कहूँ? मेरी जान। सॉरी कहो। सॉरी बेबी, किसी काम में अटक गया था यार, इसलिए ऑफिस आने में लेट हो गया। अच्छा, काम इतना इंपॉर्टेंट था कि मेरे मिस कॉल का रिप्लाई करने के लिए भी टाइम नहीं था। सुनिधि, मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, उस बारे में जो हम इस ऑफिस में करने की सोच रहे हैं। सुनिधि, ये काम इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे थे। वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। लेकिन मेरी बात खत्म होने दो, हमारी जान को खतरा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वरुण, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे मैं जानता समझ में नहीं आ रहा है। इन लोगों से तुम्हें बचाने का एक ही रास्ता है।
वरुण क्या कर रहे हो तुम ये? वरुण रुक जाओ, वरुण मैं कह रही हूँ रुक जाओ। सर ने तो अपने आप को फांसी लगा ली, लेकिन हमने तो गोली की आवाज सुनी थी। मुझे लगता है सीआईडी को बुलाना चाहिए। हेलो सीआईडी, ऐसा लगता है कि सुसाइड का केस है। नहीं सर, मतलब हाँ सर, देखने से सुसाइड का ही केस लगता है, लेकिन जो हम लोगों ने सुना वो कुछ और ही था। क्या सुनाई दिया था? सर गोली चलने की आवाज। क्या गोली चलने की आवाज? जी डॉक्टर, इसे गोली लगी? नहीं दिया, इस आदमी के शरीर पे तो गोली का कोई निशान नहीं, बल्कि इसके गले पर इस रस्सी के फंदे का निशान है। मुझे तो लगता नहीं कि यह आदमी गोली से मरा। इस कैबिन में गन मिली? नहीं सर। डॉक्टर साहब कहीं पे भी गन पाउडर का निशान? नहीं, गन पाउडर तो जरा भी नहीं मिला। कैबिन में ना गन मिली है, ना ही गन पाउडर मिला है, और ना ही शरीर पे कोई गोली का निशान। तो फिर इन लोगों ने गोली चलने की आवाज कैसे सुनी? सर मुझे तो लगता है कि इन लोगों ने टायर फटने की आवाज सुनी होगी और ऐसा लगा कि गोली चली होगी। पंकज ये अकाउंटेंसी फर्म का ऑफिस है यार, कोई गैराज नहीं है जहाँ पर मोटरें ठीक होती हैं। ये केस तो काफी पेचीदा लगता है। पेचीदा तो है। इन लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी है और वरुण की मौत हुई है फांसी लगने से। सबके पीछे राज क्या हो सकता है? ऑस्ट्रेलिया जाना है। कितने लोग? मैं अकेली हूँ और आज ही जाना है मुझे। मैडम ये ऑस्ट्रेलिया है, अमृतसर नहीं कि टिकट लिए और बैठ लिए। वीजा एप्लीकेशन करनी पड़ती है और उसमें कम से कम 15 दिन लग जाएंगे। 15 दिन? नहीं नहीं, मुझे किसी भी हालत में आज ही ऑस्ट्रेलिया जाना है। मैं फ्लाइट के 3 गुना पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे आज ही ऑस्ट्रेलिया जाना है। ऐसे भी क्या जल्दी है देश छोड़ने की? जेरी, आप यहाँ? अरे तुम्हारा सवाल आपने हमसे ही पूछ लिया, खैर तो जवाब भी दे दीजिए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको कैसे पता मैं यहाँ हूँ? आपके माथे पर पसीना है और आपके डरे हुए चेहरे की वजह से हमें आप पर शक हुआ। मैं कसम खा के बोल रही हूँ मैं निर्दोष हूँ। आज पहली बार किसी निर्दोष को मुजरिम की तरह भागते हुए देखा है। हाँ, अगर आप वाकई में निर्दोष हैं तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहे हैं हमेशा के लिए? डर की वजह से। इस बात का डर? जब हकीकत का पता चलता तो सब मुझ पे ही शक करते वरुण के मौत के बारे में। किस हकीकत की बात कर रही हैं? वरुण ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। क्या? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? क्या रिश्ता था तुम दोनों के बीच में? वरुण और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन ऑफिस में ये बात किसी को पता नहीं थी। प्यार करना कोई जुर्म तो नहीं है, पर आपने ये बात सबसे छुपाई क्यों? हमारे बॉस की वजह से। शिखर जी ने रूल बनाया था कि ऑफिस में कोई स्टाफ आपस में रिश्ता नहीं बनाएगा, और अगर ऐसा कोई करता है तो दोनों को काम से निकाल दिया जाएगा। चलो ये बात तो समझ में आ गई, पर वरुण ने आत्महत्या की थी फांसी लगा के।
तो आपका शक कैसे जाएगा? फांसी का मुझे पता नहीं, लेकिन वरुण ने मेरे सामने अपने आप को गोली मारी थी। अगर वरुण ने अपने आप को गोली मारी होती तो उसके ऑफिस के कैबिन में गन मिली होती, गन पाउडर मिलता, पर वहां पे हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। आप अभी भी हमसे कुछ छुपा रही हैं, सच सच बताओ वरना हमें आपको इसी वक्त गिरफ्तार करना पड़ेगा। नहीं सर, एक्चुअली वरुण और मैं रोज ऑफिस में वीडियो चैट करते थे, वो अपने कैबिन से और मैं अपने डेस्क से। उस दिन भी जब हम वीडियो चैट कर रहे थे वो बहुत डिस्टर्ब था, उसने अचानक गन निकाली और अपने आप को मार दिया। ऑफिस में गोली की आवाज सबने सुनी, लेकिन जब हम सब उसके कैबिन में पहुंचे तो वो फांसी से लटक रहा था। ये देख के मैं भी बहुत चौंक गई। तुमने उसे गोली चलाते हुए देखा? सर मुझे तो लगता है ये झूठ बोल रही है, हमें इनके वीडियो चैटिंग की रिकॉर्डिंग चेक करनी चाहिए। बड़ी वीडियो चैटिंग इंटरनेट द्वारा लाइव होती है, उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती। जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता आप शहर छोड़ के कहीं बाहर नहीं जा सकते। अब इस केस खत्म करने का रास्ता फोरेंसिक लैब से ही मिलेगा। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? यार परेशान नहीं हूं तो क्या करूं? अरे मैंने क्या किया यार? तूने कुछ नहीं किया फरंगे, बात यहाँ पर है इस वरुण की मौत के साथ। वरुण के ऑफिस वालों ने गोली चलने की आवाज सुनी, उसके बाद जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वरुण रस्सी से लटका हुआ था। बाद में पता चला कि वरुण का सुनिधि के साथ अफेयर है, सुनिधि इसी के ऑफिस में काम करती थी। अब वरुण साहब ने अपनी पूरी जायदाद इस सुनिधि के नाम पर कर दी और सुनिधि ने क्या किया, वो देश से भागने के चक्कर में थी। अरे कमाल है यार, जब वरुण ने अपनी सारी जायदाद इस सुनिधि के नाम कर दी और खुद आत्महत्या कर रहा था तो फिर सुनिधि को देश छोड़कर भागने की जरूरत क्या थी यार? गड़बड़ वहीं पर है ना सड़ुंखे, सुनिधि के मुताबिक वो उस वक्त इस वरुण के साथ वीडियो चैटिंग कर रही थी, लाइव वीडियो चैटिंग, और उसने अपनी आंखों से देखा है इसे अपने आप पर गोली चलाते हुए। बड़ी अजीब लड़की है, वरुण से प्यार भी करती थी और अपने आंखों के सामने उसे आत्महत्या करते हुए भी देख रही थी। बात यह है कि सुनिधि का दावा है वीडियो चैटिंग करते समय उसने वरुण को खुद पर गोली चलाते हुए देखा और गोली की आवाज ऑफिस के पूरे स्टाफ ने सुनी थी। कमाल है। एक बात बताओ, एक आदमी एक ही समय में दो अलग अलग तरीकों से आत्महत्या कैसे कर सकता है यार? वही तो सालों के साथ फांसी पे लटक गया और अपने आप को गोली भी मार ली। यार ये तो बड़ा कंफ्यूजन है। तू यकीन के साथ कह सकता कि वरुण ने आत्महत्या ही की है? आत्महत्या? देखो बॉस, मैंने वरुण की लाश की अच्छी तरह से जांच की है और इसकी लाश की जांच करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वरुण की मौत ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाने की वजह से हुई। तुम्हें सीधा क्यों नहीं कहता कि फांसी पर लटकने की वजह से मौत हुई है? शायद। शायद का क्या मतलब है? हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता है तो? देखो बॉस, विश्वास के साथ मैं सिर्फ ये बता सकता हूं कि वरुण को गोली नहीं लगी है, बस। तो फिर क्या लगी है? अब ये फांसी पर लटकने की वजह से मरा है या कैसे, ये मैं विश्वास के साथ नहीं बता सकता हूं। लेकिन सालों के साथ ये वरुण के गले पे जो बंदे का निशान है इससे तो हमें कुछ पता चल सकता है ना? बात इतनी सीधी और आसान नहीं है फेरी। देखो ये भी हो सकता है कि किसी ने इसका गला दबा दिया हो पहले किसी कपड़े, इसका दम घुट गया और ये मर गया, और फिर इसके मर जाने के बाद इसकी लाश को ले जा करके रस्सी से लटका दी। गले पर निशान तो वैसे ही आएंगे रस्सी के, अगर ये खुद आत्महत्या करने के लिए फंदा लगाए या कोई इसे मरने के बाद लटकाए, गले पर तो वैसे ही निशान आने वाले हैं। मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है, ऑक्सीजन के कमी के वजह से। तो क्या वरुण का दम घुट गया या घोटा गया? आत्महत्या या खून?
सर कुछ पता चला सर वरुण का असली कातिल कौन है? हम अभी तक ठीक से ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि ये खून है या आत्महत्या, लेकिन किसी भी हाल में हम इस केस के तय तक पहुंच कर ही रहेंगे। और अगर वरुण का खून हुआ था तो असली खूनी को सजा दिलाकर ही रहेंगे, और इसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन कैसी मदद? आप हमें ये बताएंगे कि जब आप लोग सुबह ऑफिस में आए तो क्या हुआ, और प्लीज हाँ थोड़ा डिटेल में बताइएगा। जी मैं आपको बताती हूँ। आज सुबह जब हम ऑफिस आए तो थोड़ी देर बाद वरुण आया, आते के साथ सीधे वो अपने केबिन में चला गया। साथ कोई और भी था? नहीं, उसके साथ कोई नहीं था, वो अकेला था। अरे वरुण सर ने तो खुद को फांसी लगा ली। लेकिन हमने तो गोली चलने की आवाज सुनी थी। मुझे लगता है सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। वरुण को नीचे उतारो जल्दी। हाँ। कम ऑन फास्ट। हाँ, आओ। जरा प्लीज संभाल के। तो आप सबने वरुण की लाश को नीचे उतारने के लिए टेबल का सहारा लिया? जी सर। अच्छा जब आप सब लोग यहाँ इस कैबिन के अंदर आए तब यहाँ पे हालत कैसी थी? मेरा मतलब है ये सामान बिखरा हुआ था, उथल पुथल हुई थी, या फिर ये टेबल जो यहाँ पर है अपनी जगह पे नहीं थी कुछ? नहीं सर, सब सामान ठीक ठाक था, लेकिन ये टेबल उस दीवार की तरफ कुछ ज्यादा ही सरका हुआ था। सर सालुकर साहब कह रहे थे कि वरुण के नाखून के नीचे से उन्हें लकड़ी के और लकड़ी के पॉलिश के कुछ अंश मिले थे। पंकज जरा टेबल के ऊपर और नीचे देखना, तो निशान मिलते हैं क्या? सर यहाँ पे नाखूनों के निशान है, ऐसा लग रहा है किसी ने खरोचा है। नाखून के निशान? पंकज बाहर आ जाओ। इसका मतलब है शायद वरुण यहाँ इस चेयर पे बैठा होगा ऐसे, और खूनी ने पीछे से हमला किया, गला दबा के मारने की कोशिश की होगी, मगर वरुण ने अपने आप को बचाने के लिए स्टेबल को ऐसे पकड़ा, ऐसे खींचा होगा, और उसी टाइम उसके नाखून के निशान टेबल के नीचे आ गए। सर इसका मतलब पहले खूनी ने वरुण को यहाँ पे गला घोट के मारा, फिर इस रस्सी पे सीलिंग से लटका दिया। सर ये वरुण एक अकाउंटेंट था, एक अकाउंटेंट को इस तरह से मारने का कारण क्या हो सकता है? मारने का कारण पता चल जाए तो ये राज अपने आप सुलझ जाएगा। अच्छा वरुण को कौन मार सकता है? आप लोगों को किसी पे शक है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। हम लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं। इस अकाउंटेंसी फर्म का मालिक कौन है? मिस्टर शिखर। मिस्टर शिखर? जी। शिखर से मिलना पड़ेगा। पंकज मिस्टर शिखर को जल्द से जल्द पूछताछ के लिए ब्यूरो बुलाओ। वरुण एक बहुत खास लड़का था, मेरा सबसे होनहार स्टाफ, और मेरा बहुत भरोसा था उस पे। सर एक बात बताओ, वरुण की जब मौत हुई तब तुम कहां थे? वो ऐसा सर मेरी एक बहुत ही खास मीटिंग थी अर्जेंट, और मैं उसमें व्यस्त हो गया था, लेकिन मुझे बहुत शौक लगा सुनकर कि वरुण ने आत्महत्या कर ली है। आपसे किसने कहा कि वरुण ने आत्महत्या की है? सर मैंने तो यही सुना कि उसने रस्सी से लटका के खुद को मार दिया, तो मैंने समझा कि उसने आत्महत्या ही की होगी। मैं कुछ गलत कह रहा हूँ सर? हमें शक है कि उसका खून किया गया था। अरे शिखर जी आपको तो पसीना आ गया, क्यों आप इतने नर्वस क्यों है? नहीं नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं नर्वस कहा हूँ सर? मैं तो पहले ही आपसे कहा कि वरुण बहुत ही अच्छा लड़का था, और ये सारी बातें आप स्टाफ से भी पूछ सकते हैं, वो सब उसे पसंद करते थे। अब मैं नर्वस नहीं हूं सर, बस थोड़ा सा परेशान हूं मैं। अच्छा 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 अच्छा, वरुण का कोई खास दुश्मन जो उसकी जान लेना चाहता हो? नहीं सर, मैंने आपसे पहले कहा ना कि वो बहुत ही अच्छे दिल का लड़का था, उसका कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? वो तो सिर्फ अपने काम से काम ही रखता था, इसलिए मैं हर साल उसे प्रमोशन देता था। शिखर जी कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके किसी क्लाइंट ने ही वरुण को मारा? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आपकी कंपनी के सारे बड़े क्लाइंट्स वरुण ही संभालता था ना, है ना? ये तो मुमकिन नहीं लगता मुझे, क्योंकि मैंने कभी किसी क्लाइंट को वरुण पर नाराज होते नहीं देखा, और इनफैक्ट वो तो रिक्वेस्ट करते थे कि वरुण ही उनके अकाउंट संभाले। अच्छा तो फिर अगर आपके किसी क्लाइंट ने वरुण को नहीं मारा
और भी किसी ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा होगा वरुण को? किसने मारा होगा? शिखर जी, जी सर, घबराइए मत। आपके सबसे अजीज, सबसे अच्छे एम्प्लॉय के खूनी को हम जरूर पकड़ लेंगे। जी जी, घबराइए मत। जी जी सर, थैंक यू सर। आप चल सर। थैंक यू सर। शिखर इस ऑफिस का मालिक है, उसे अपने ऑफिस में चोरी छुपाने की क्या जरूरत थी? हाँ सर, वो भी इतनी रात में जब पूरा का पूरा ऑफिस खाली है। वरुण के केबिन में क्यों घुसा? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है सर। केबिन तो खाली है सर, उसे तुमने केबिन में आते हुए देखा था। निकल, फिर चेक करो सर। खिड़की अंदर से बंद है सर, मतलब ये केबिन से बाहर नहीं गया है। फिर गया रहा, काम करो, केबिन की तलाशी लो, ये कहीं होना चाहिए। अंदर से सर। अरे लुका छुपी खेल रहे हो हमारे साथ? मैंने कुछ नहीं किया, सच में मैंने कुछ नहीं किया। अरे बाहर आओ, बाहर आओ। मैंने कुछ नहीं किया सर। क्लोरोफॉर्म, सुसाइड नोट। मैंने सच में कुछ नहीं किया, मैं कसम खा के बोल रहा हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, वरुण का फोन करके उसे आत्महत्या दिखाना चाहते थे क्यों? नहीं, असल में वरुण को भी राज के बारे में मालूम पड़ गया था। कौन सा राज? ये छुपी हुई दीवार का और उसके बीच खुफिया फाइलों का। दरअसल मैंने अपने क्लाइंट्स के अकाउंट में से लाखों रुपए गबन किए और उसे मालूम पड़ गया था। वो मेरा पर्दाफाश करना चाहता था, इसलिए मैंने उसकी मरने की सुपारी बाबू को दे दी। तो वरुण का खून बाबू ने इस तरह से प्लान किया था। बाबू, बारिश में भागते भागते भीग गया होगा। चल जोरो, चल वहां से काटे थे। तो ये इनाम देते हो अपने कंपनी के सबसे अच्छे एम्प्लॉय को? मालिक हो ना तुम, एक्टर बनो एक्टर। देखा कैसे मातम मना रहा था वरुण के मौत का? सर
वेरी सॉरी सर, मैं उस दिन मेरा दिमाग ही खराब हो गया था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था और तूने मेरा भी दिमाग खराब कर दिया। कोई दूध पीते बच्चे नहीं हो तुम। पैसे लिए थे तुमने शिखर से वरुण का खून करने के लिए। साहब मैंने किसी का खून नहीं किया है। झूठ मत बोलो। वरुण के केबिन से हमें क्लोरोफॉर्म की बॉटल और सुसाइड नोट मिला है। उसकी लिखावट तुम्हारी हैंडराइटिंग से मैच करती है। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं उस रात वरुण को मारने गया था, लेकिन मेरा खुद प्लान था कि उसका गला दबा के उसको लटकाऊं। लेकिन जब मैं उसको मारने गया तो वो पहले से मरा हुआ था, उसकी लाश लटक रही थी। साहब कहानी बनाना बंद बंद करो कहानी बनाना। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तो किसी नकाब पोश आदमी को खिड़की से बाहर ऊपर भागते हुए देखा था। वरुण के ऑफिस से जाने से पहले उसकी जान चली जाएगी। पहले ये क्लोरोफॉर्म सुंघा के उसको बेहोश करूंगा और इस सुसाइड लेटर उसके टेबल पर रख दूंगा। वाह वाह बाबू वाह, क्या आइडिया है। किसी को शक भी नहीं होगा कि वरुण का खून तूने किया है। क्या बात है। पर साहब मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया था। सर मैं मानता हूँ कि मैंने बाबू को वरुण को मारने के लिए सुपारी दी थी, लेकिन बाबू ने वरुण को मारा तो नहीं। मैं छूट जाऊंगा ना सर। मैं छूट जाऊंगा ना। खून नहीं करवाया तो क्या हुआ? खून की साजिश तो रची थी ना, उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, समझे? सर वो नकाबपोश कौन था उसका पता लगाना पड़ेगा सर। हाँ सर, बाबू ने कहा कि गोली से बचने के लिए जब वो झुका था तो पेन ड्राइव और हेडफोन्स के जैक कंप्यूटर से गिर गए थे, लेकिन सर क्राइम सीन पर से हमें कोई पेन ड्राइव तो मिला नहीं था। मगर प्रियंका ने तो कहा था कि तो इसका मतलब है वो पेन ड्राइव सुनिधि के पास है। मिस सुनिधि, अब क्या हुआ सर? बहुत कुछ हुआ है और आपने हमसे बहुत कुछ छुपाया है। अब मैं कुछ समझी नहीं। समझ तो हम भी नहीं रहे थे अब तक, अब आप हमें समझाइए। क्या? यही कि जब प्रियंका जी ने हमें वरुण की मौत की सारी घटना बताई तो उन्होंने ये भी बताया कि आप वरुण के कैबिन में कुछ उठाने के लिए झुकी थी, हाँ या ना? वो मैं सर। बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए कि जो कुछ भी है सच सच बताओ, वरना तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। एक मिनट। सर मैं ये लेने के लिए झुकी थी। क्या है इसमें? शिखर के काले कारनामों का सच। अपने क्लाइंट्स को फंसा के जो लाखों रुपया का घफला किया था शिखर ने, उस सब के डिटेल्स वरुण ने इसमें डाउनलोड कर लिए थे। उस दिन गोली की आवाज सुन के हम सब कैबिन की तरफ भागे। बस वहीं पे टेबल के पास मुझे ये पड़ा हुआ मिला। मुझे लगा शायद इसी वजह से उसकी मौत हुई होगी, तो मैंने ये ले लिया। तुमने ये पेन ड्राइव हमें पहले क्यों नहीं दिया? मैं डर गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं कहां जाऊं, क्योंकि क्योंकि इस पेन ड्राइव में और भी कुछ है। क्या? आप खुद ही देख लीजिए। मेरी जान निकलती देखकर डर गई ना, मजाक कर रहा था। आज मैं ऑफिस में सबके सामने इकरार करने वाला हूँ कि मैं सुनिधि से प्यार करता हूँ और अब तुम एक काम करो, ऑफिस में सबको लेके मेरे कैबिन में आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इसका मतलब है वरुण तुम्हारे साथ लाइव चैटिंग नहीं कर रहा था, वो खुद का रिकॉर्ड किया हुआ
सुसाइड वीडियो चला रहा था। लेकिन सर गोली चलने की आवाज कहां से आई होगी? जरा फिर से रिवाइंड कर। ये रिपोर्ट जरा यहां पास करो। यहां पे बाबू से कनेक्शन निकल गया और गोली चलने की आवाज स्पीकर के जरिए सबको सुनाई दी। मेरे वरुण को तो पता भी नहीं होगा, जब वो ये रिकॉर्डेड मैसेज चला रहा होगा उस वक्त उसकी मौत हो चुकी होगी। बाबू के बयान के मुताबिक वो खूनी खिड़की से ऊपर की तरफ गया था, इसका मतलब है कि वो छत से भागा होगा। निखिल, वॉचमैन से पता करो कि इस हादसे के बाद कोई बाहर गया था क्या यहां से, तब तक हम टेरेस चेक करते हैं। वरुण की खिड़की के ऊपर छत का ये वाला हिस्सा पड़ता है। तो यहाँ ठीक नीचे वरुण के कैबिन की खिड़की है। सर ये देखिए ये निशान, जैसे किसी ने रस्सी को यहाँ से घसीटा है। इसका मतलब है खूनी पहले यहाँ छत पे आया और इस रस्सी को पकड़कर नीचे वरुण के ऑफिस में घुसा और बाद में इसी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ के छत पे आ गया और सबसे नजरें बचाकर बिल्डिंग से बाहर निकल गया। सर, सर वॉचमैन ने किसी को बाहर जाते हुए नहीं देखा सर। इसका मतलब है खूनी ऑफिस के स्टाफ में से कोई है। लेकिन सर वॉचमैन ने इस ऑफिस के बाहर कल रात को एक आदमी को टहलते हुए देखा था। जब मैंने उसे बाबू का फोटो दिखाया तो उसने पहचान लिया सर। सर वो बाबू ही था। हाँ सर, बाबू तो दीवार में बनी खुफिया अलमारी में छुप कर बैठा था और सबके चले जाने के बाद ही अपनी जगह से निकल कर भागा था। बाबू तो समझ में आ गया, पर वो खूनी जो इस छत से गायब हुआ है उसकी मौजूदगी का कोई ना कोई सबूत तो यहाँ पे उसने जरूर छोड़ा होगा। इस टेरेस को अच्छी तरह से चेक करो। कुछ जलाया गया। ये कपड़ा उस खूनी का ही है। खून करने के बाद वो यहां छत पे आया कपड़ा बदलने के लिए और इस सबूत को जलाने की कोशिश की, पर जल्दबाजी में उसने सबूत को पूरी तरह से जलने नहीं दिया। ये क्या बेस्ट ड्रेस वाला? सर यहां से तो फिल्म की शूटिंग और नाटक के लिए कपड़े भाड़े पे दिए जाते हैं। देखते हैं कौन है वो खूनी जो इस खून को नाटक का खेल समझ रहा है। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? पर मैंने क्या किया साहब? ये टैग बेस्ट ड्रेसेस आप ही के दुकान का। हमें बस ये बताइए कि कल कोई आदमी यहां से एक जैकेट और एक मास्क लेके गया था। हाँ साहब, एक आदमी आया तो था पर उसने इसे भाड़े पर नहीं खरीद लिया था। जो कोई भी है काफी चालाक है सर। अगर वो ये ड्रेस भाड़े पे लेता उसे नाम नंबर पता सब लिखवाना पड़ता, इसीलिए उसने ये खरीद लिया। उसका हुलिया तो याद ही होगा आपको। नहीं साहब, लिया तो याद नहीं, पर हाँ वो कुछ फोन पर बातें कर रहा था। वो कुछ हिसाब किताब की बातें कर रहा था। हिसाब किताब? हाँ,
डेबिट क्रेडिट और बार बार अकाउंट्स अकाउंट्स बोल रहा था। जरूर वरुण के ऑफिस में काम करने वाला कोई आदमी होगा। पर सर वो आदमी कौन है हम ये कैसे पता लगाएंगे? इस नकाब को पहनकर खूनी खून करके भागा था, अब यही नकाब उसे बेनकाब करेगा। सर हम सबके ब्लड का सैंपल क्यों लिया जा रहा है? इससे आपके डीएनए का पता चल जाएगा। हमें इतना तो पता चल चुका है कि वरुण का खून हुआ था। हमें यह भी पता चल चुका है कि खूनी ने काला मास्क और जैकेट पहना था और उसने बाद में उस मास्क को टेरेस में जलाने की कोशिश की, पर वो मास्क पूरी तरह से जला नहीं और उस पे लगे पसीने से हमें खूनी का डीएनए मिल गया है। खूनी ऑफिस के स्टाफ में से कोई है। हमें सिर्फ ये पता करना है कि वो खूनी है कौन। दया सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट में डीएनए मैच हो जाएगा और इनमें से जो कोई भी खूनी है वो हमारे सामने होगा। 10 मिनट। सर सकती है। आप दोनों बाहर जाइए। आप जा सकते हैं। आप जा सकते हैं। जी आप दोनों भी जा सकते हैं। आप दोनों जा सकती हैं। आप भी जाइए। क्या नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम मेरा नाम धवल है सर। धवल धवल धवल। निखिल हैंड कर्ची तो इन्हें पसीना पहुंच लो, बहुत पसीना है। पसीना? हाँ। ये लो, पकड़े जाने के डर से अक्सर मुजरिम को पसीना ही जाता है। ये लो, पहुंच लो। सर, सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे मरने से बहुत डर लगता है सर, मैं फांसी पर नहीं चढ़ सकता सर, प्लीज सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच आपके डीएनए टेस्ट वाले नाटक के लिए। नाटक? ये नाटक था? हाँ नाटक, क्योंकि वो मास्क तो बुरी तरह से जल गया था, उसमें से हमें कोई डीएनए नहीं मिला और वैसे भी 10 मिनट में डीएनए मैच नहीं होता है दोस्त। अब बता वरुण का खून क्यों किया तुमने? सर उसके कहने पे मैंने वरुण का खून किया, मैं उसके प्यार में पागल हो गया था, इसी कारण मैंने वरुण का खून कर डाला सर। अच्छा, और इसीलिए आज वो ऑफिस नहीं आई। प्रियंका, प्रियंका,
लड़का संभाल के इसको गोली नहीं लगनी चाहिए। चुपचाप अपने आप को सरेंडर कर दो। अपनी अपनी बंदूक के नीचे करो मैंने कहा। बचाओ। चलाओ गोली। तुम्हारी गन की गोलियां तुम फायर कर चुकी हो प्रियंका। मिस प्रियंका अब एक नामचीन अकाउंटिंग फर्म में सीनियर अकाउंटेंट हो। अच्छा खासा करियर था आपका, फिर अपने बॉस वरुण का खून करके क्या मिला? बदला लेना चाहती थी मैं उसे, उसकी वजह से मेरी रातों की नींद हराम हो गई थी। नफरत करती हूँ मैं उससे, नफरत। अपने ही दोस्त से इतनी नफरत करने की वजह क्या बिगाड़ा था तुम्हारा वरुण? वरुण ने मेरे सबसे बड़े सपने को मुझसे छीन लिया था, वो सपना जो मैं 10 साल से देख रही थी। कौन सा सपना? प्रमोशन का सपना। प्रमोशन की असली हकदार मैं थी, लेकिन मिस्टर शिखर ने वरुण की तरक्की कर दी। वो केबिन जिसमें वरुण रहता था वो मेरा होना चाहिए था। 10 सालों से मैं अपने प्रमोशन का ख्वाब देख रही थी कि मेरा प्रमोशन होगा, वो केबिन मुझे मिलेगा और मैं उस कुर्सी पर बैठूंगी। लेकिन वरुण होनहार था, मेहनती था। हाँ था, लेकिन मैं उससे 1 साल सीनियर थी और जब 3 महीने पहले उसको प्रमोशन मिल गया तो मैं इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो गुस्सा आ गया तुम, तुमने अपने बॉयफ्रेंड धवल को उकसाया कि वो वरुण का खून कर दे। वरुण की मौत के बाद तुम्हें प्रमोशन भी मिल जाता और उसका कैबिन, क्यों? हाँ, लेकिन ये धवल एक नंबर का बेवकूफ और कमजोर निकला। इसने आप सबको सब कुछ मेरे बारे में बता दिया। क्या लगा था तुम कभी पकड़ी नहीं जाओगी? हाँ, अगर ये धवल मुंह नहीं खोलता तो मैं कभी पकड़ी नहीं जाती, क्योंकि मैंने पूरी प्लानिंग की थी अच्छी तरह से, लेकिन इसने सब कुछ बिगाड़ दिया, सब किए करा पे पानी फेर दिया। देखा धवल, गलत काम का अंजाम गलत ही होता। तुमने प्रियंका का प्यार पाने के लिए एक बेकसूर की जान ली और फिर तुम दोनों फंस गए। अपने करियर में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं मिस प्रियंका, लेकिन जो रास्ता आपने अपनाया वो गलत था। अब ये रास्ता तुम्हें ऑफिस के केबिन तक नहीं बल्कि फांसी के फंदे तक लेके जाएगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।